जमाने में इस तरीके के मकान बना जाते थे। यहाँ पे गैया वगैरह भी पाल रहे हैं अच्छे से। ये देखिए यहाँ पे चेरी भी सेल आउट हो रही है। रह जाते हैं लोग पीछे। ये वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रज्ञा आप सभी का वॉर्म वेलकम करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। से हाय आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो आज हम लोग आए हुए हैं, कहाँ है राम? मनाली। सो वी आर हियर इन आवर समर वेकेशन एंड आई वाज लाइक क्यों ना मैं आप लोगों के साथ में व्लॉग शेयर करूं। मनाली पहुंच चुके हैं, हम आए थे पहले दिल्ली, बांदा टू दिल्ली एंड दिल्ली से हमने लिया वॉल्वो एंड अब हम जा रहे हैं अपने होटल में। एंड ये हमने जो पूरा मतलब हमारा जो टूर है ये हमने पैकेज में बुक किया हुआ है। तो इसकी सारी डिटेल्स हम आपको शेयर करते जाएंगे वीडियो में। सो भी दिखाना चाहेंगे, लुक एट द व्यू गाइस। ये देखो व्यू, आप वहीं से बैठे बैठे व्यू का एंजॉय करो। एंड हियर इज मिस्टर राम। हम लोग जाएंगे उस पहाड़ पर और उस पार से एक बर्फ वाले पहाड़ पर। से हाय, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, रूम में चेक इन करते हैं या फिर कहीं और घूमने चलेंगे। होटल एंड दिस इज द व्यू। गए हम लोग यहाँ पर एंड वी वर रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड। सो गाइज अभी हमारा चेक इन नहीं हो पाया बिकॉज चेक इन होता है 11 बजे। तो हम लोग रेडी हो गए हैं कॉमन वॉशरूम यूज़ करके एंड दिस इज़ द आउटफिट आई एम वेयरिंग। मैं अभी आपको बैक कैमरे से भी दिखा दूंगी। सचिन भी वहाँ देखिए रेडी हो चुके हैं एंड व्यू तो मैंने आपको पहले दिखाया ही है। अभी रूम मिलेगा तो और अच्छे से व्यू दिखाऊंगी। और राम पहले ही आ करके बैठ चुके हैं भाई, ठीक है। सो अब चल रहे हैं हम लोग साइट सीन के लिए। कहाँ कहाँ जाने वाले हैं? आई थिंक हडम्बा टेम्पल है और एक दो जगह और हैं, है ना? तो वहीं पे जाएंगे, विजिट करेंगे, देखते हैं क्या क्या देख पा रहे हैं और उसके बाद फिर अगेन होटल वापस आएंगे। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ एंड आपको मेरा लुक कैसा लग रहा है कमेंट डाउन जरूर करिएगा। बहुत ही मिनिमल सा मैंने मेकअप किया हुआ है। सो मैं अगर बात करूं पैकेज की लेकर के यहाँ पर, तो पैकेज जो हमारा पड़ा था वो टोटल पड़ा था, सिर्फ पैकेज ही पैकेज मैं बता रही हूँ, दिल्ली से लेना दिल्ली तक छोड़ने तक का 24,000 समथिंग दो लोगों का, और राम भी उसी में इंक्लूड था। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल जाते हैं तो आप कुछ बहुत चीज़ें अगर पहले से ही प्री बुक कर लेंगे तो आपका इससे भी सस्ता पड़ सकता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ के व्यू की, तो व्यूज़ में तो यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है और हम लोग सीधे जा रहे हैं हडिम्बन टेम्पल। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, दिल्ली से आप वॉल्वो बुक करा लीजिए जो कि आपको शाम को मिल जाती है, वहाँ से 7 बजे वॉल्वो बस चलती है और उससे आप डायरेक्ट आ जाइए मनाली। मनाली में आप कोई भी रूम बुक कर लीजिए, यहाँ पर आपको 500 से लेकर के 5,000 तक के होटल्स मिल जाएंगे एंड हमने 3-स्टार होटल बुक किया था। गाइस तो अभी हम आ चुके हैं हडिम्बा देवी टेम्पल, चढ़ रहे हैं ऊपर, आपको व्यू दिखाते हैं भाई। व्यू तो यहाँ के ऑन पॉइंट है। सी पीछे भी तो मुड़ लो एक मिनट, ये फिर बोलते व्लॉगिंग नहीं करते। व्यू कैसा लग रहा है तुम लोगों को, कुछ बताओ तो व्लॉग में। तुम अच्छा कुछ बोल ही नहीं रहे हो। भग गया, फिर से भग गया। कैसा है व्यू? कह रहा मस्त लग रहा है। मस्त लग रहा है। हम दोनों ने ट्यूनिंग कभी करते नहीं है गाइज, लेकिन हमारी ट्यूनिंग अपने आप हो जाती है हमेशा ही। यहाँ के पेड़ों को देख करके तो ऐसा लगता है कितने लंबे लंबे पेड़ हैं यहाँ पर भाई। इतना सुंदर लग रहा था यहाँ पे देखने में। ये जो हडिम्बा देवी टेम्पल है काफी फेमस है यहाँ का, सुबह सुबह दुकानें भी लगी। और ये देखो ये यहाँ पे ये क्या बोलते हैं इसको, चेरी भी है। चेरी कैरी नहीं। हाँ चलने दो, बैठ लो वहाँ के खड़ा कर दो। होटल तो हम लोग सुबह 7 बजे पहुंच गए थे लेकिन चेक इन था हमारा 11 बजे, तो हमने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया। हमने सोचा चलो हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चलते हैं। जा रहे हैं वशिष्ठ टेम्पल और मुझे अभी अभी एक चीज दिखी है। जमाने में इस तरीके के मकान बनाए जाते थे लकड़ी के, ये देखिए एंड लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस ब्यूटीफुल हाउस। ये जो बाहर इन्होंने कारीगरी की हुई है ना, कितना सुंदर लग रहा है गाइस। लुक एट द ब्यूटी, लाइक यहाँ जो लोग रहते हैं ना ब्लेस्ड हैं वो। का जो मतलब कि वातावरण है वो बहुत ही ज़्यादा शुद्ध है। ये देखिए यहाँ पे गैया वगैरह भी पाल रहे हैं अच्छे से और बहुत ही अच्छे लोग भी हैं। बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट अगर आप
आपको नॉलेज नहीं होगी तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वैसे तो यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और ये देखिए यहाँ पे चेरी भी सेल आउट हो रही है, 50 रुपीज़ का एक पैकेट मिलता है। और सामने अगर मैं आपको दिखाऊँ, वो देखिए वहाँ पे आपको पहाड़ दिख रहा है, आइस वाला पहाड़ है। लाइक व्यू की यहाँ कोई कमी नहीं है। अभी हम लोग जा रहे हैं जोगिनी वाटरफॉल के लिए, एंड देखिए हम लोग काफ़ी ऊपर हैं। एक्चुअली आप देख रहे हो वहाँ पे नीचे, वो वहाँ पर नदी बह रही है, हम लोग काफ़ी ऊपर हैं। सो अभी आगे निकल रहे हैं और बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना राम भैया। ट्रैकिंग ऑलमोस्ट डन होने वाली है, हमें वाटरफॉल की आवाज़ भी आती जा रही है, एंड आप लोग भी हमारे साथ आइए और देखिए पहाड़ बहुत ही सुंदर लग रहा है। सो हमारे पैकेज में हडिम्बा देवी टेम्पल, वशिष्ठ टेम्पल और उसके बाद में एक जो पार्क है वो था, ठीक है। ये दो तीन जगह ऐसी थी जहाँ पर जाने का कोई मतलब नहीं था, बहुत ही छोटी छोटी जगह थी, वो तो आप खुद से ही भी एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन मैंने इंटरनेट पे इस जोगनी वाटरफॉल के बारे में पढ़ा था और मुझे था मुझे ये ज़रूर करना है, इसमें 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी होती है, एंड आई वॉज़ लाइक कि मुझे ये करना है। तो मैंने अपने 2 डेस्टिनेशंस को छोड़ करके इसका अलग से चार्ज पे किया था, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि पैकेज के थ्रू जाने में ना आप चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाते हो। इसलिए अगर आप खुद इंडिविजुअल जाओगे ना तो आप काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर भी करोगे और पैसा भी आपका कम खर्च होगा। अगर मैं बात करूँ इस प्लेस की जोगनी वाटरफॉल की, तो गाइज अगर मैं मनाली की पूरी ट्रिप की बात करूँ, दिस इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन जहाँ पर हमने विजिट किया था। और ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, ये मेरे हस्बैंड का भी मानना था और हमारे टूर में जो और भी लोग आए हुए थे, हमने उनको भी जब रिकमेंड किया एंड उन्होंने जब इसको ट्रैक किया, उन्होंने भी बोला कि बहुत ही सुंदर जगह। गुड इवनिंग। सो हम लोग आ चुके हैं रूम पे, एंड आप सोच रहे होंगे कि क्या हम अभी आए? नहीं, हम बहुत पहले आ गए थे गाइज, चेक इन किया हमने एंड मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। उसके बाद 2 डेस्टिनेशन ऑन थे घूमने के लिए, लेकिन मैं नहीं भाई, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। एक तो रात भर के मतलब सोए नहीं थे, तो हम लोग आ गए थे रूम में, हम आराम से ठप्पे से सोए हैं और अब हम लोग रेडी होकर के जा रहे हैं मॉल रोड, कुछ बहुत शॉपिंग करेंगे। व्यू अगेन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, देखिए मतलब आप सोचो हमारी खिड़की के मतलब खिड़की में से हमारा ये व्यू है, पहाड़ और पेड़ वगैरह। राम भी वहाँ पे रेडी हो गया है, ये देखिए टॉप अप लगा दिया क्योंकि ठंडक है। एक्चुअल में मैंने भी यहाँ पे 2-3 लेयरिंग की हुई है। सो चलिए चलते हैं हम लोग अब मॉल रोड चलते हैं और मॉल रोड में देखते हैं क्या क्या मिलता है, कुछ बहुत अच्छा शॉपिंग करने का मिलेगा तो जरूर करेंगे। सो आप लोग मेरे साथ चलिए। मॉल रोड के बारे में सुना बहुत था, देखा भी बहुत था इंटरनेट पे, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने जा रही हूँ, आई एम सुपर डुपर हैप्पी। एंड आप लोगों ने जोगनी वाटरफॉल के व्यूज तो देखे होंगे गाइस, कितना सुंदर है। एंड वीडियो जो होगा ना वो पार्ट्स में आएगा, बिकॉज काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसीलिए वीडियो मैं पार्ट्स में ही अपलोड करूँगी। सो आई डोंट नो अब ये वीडियो जो है, ये क्लिप किस पार्ट में आने वाली है, कौन सा ब्लॉग नंबर होने वाला है। और पता है आपको, जोगनी वाटरफॉल में मेरी सैंडल भी टूट गई थी, तो मैंने इन लोगों के बाथरूम स्लीपर जो है वही डाली हुई है। क्या करूँ भाई, नहीं है मेरे पास कोई सैंडल, अब देखती हूँ मार्केट में कोई शूज़ वगैरह देखूँगी क्योंकि सैंडल्स का तो कोई मतलब नहीं। तो अगर आप भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो जोगनी वाटरफॉल को ज़रूर विजिट करिएगा। शाम के समय हम जैसे कि देख सकते हैं आप, हम निकल दिए मॉल रोड के लिए क्योंकि मॉल रोड भी हमारे पैकेज में था, लेकिन मॉल रोड में वो क्या ही करेंगे, सिर्फ छोड़ने का ही उनका काम रहता है। पर चूंकि हम जोगनी वाटरफॉल अलग से गए थे तो हमने कार नहीं की, हम फिर ऑटो लेकर के गए थे। और आप देखो कि कितना सुंदर लग रहा है शाम के समय। मैं बहुत ही सिंपल रेडी हुई हूँ गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडक फील हो रही है। ड्रेसेस तो मैं जितनी लाई थी सब शॉर्ट ड्रेसेस लाई थी, पर यहाँ पहनने लायक तो बस दोपहर में है, बाकी सुबह शाम में तो आप शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहन सकते हो। अगर आप भी इस सीज़न में आ रहे हो यहाँ पर तो आप ऊनी कपड़े ज़रूर लाइएगा, और स्पेशली अगर आपके साथ बच्चे हैं तो डेफ़िनेटली बच्चों के लिए तो सब कुछ ही रख लेना। और ये तो कहो कि एक दो चीज़ें हमारे पास थी तो हम लोग फिर भी बचे हुए हैं, ठीक है। और आप देख सकते हो व्यू कितना ज़्यादा सुंदर है। अब हम जा रहे हैं सीधे नीचे जाएंगे, वहाँ से ऑटो करेंगे और फिर वहाँ से जाएंगे मॉल रोड, और देखती हूँ क्या क्या चीज़ें मैं एक्सप्लोर कर पा रही हूँ, ठीक है। मुझे एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है गाइस, मैं कहीं भी घूमने जाती हूँ, मुझे हिस्टोरिकल चीज़ें जानना, एक्सप्लोर करना चीज़ों को, फूड को एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बहुत सुना था मॉल रोड के बारे में तो मैंने सोचा मैं भी देख लेती हूँ। तो अगर जब मैं यहाँ गई तो मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल ही कॉमन एक बाज़ार है, और यहाँ पे जो भी चीज़ें मिल रही थी वो सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं हमारे लोकल मार्केट में, तो मुझे कुछ ऐसा खास नहीं लगा टू बी वेरी ऑनेस्ट। कहाँ रह जाते हैं लोग पीछे, ये कुछ ले लिया, क्या है ये, क्या है ये, बजा के दिखाओ जरा।
अब क्योंकि मॉल रोड आए हुए हैं तो हमने सोचा कि चलो यहाँ का कुछ मीठा टेस्ट करते हैं। तो इस यहाँ की जो ये रसमलाई थी ना, ये बहुत ही टेस्टी लगी। मोमोज भी हमने ट्राई किए थे, मोमोज भी ओके ओके थे, नॉट टू गुड एंड नॉट टू बैड। एंड उसके बाद हमने ली थोड़ी बहुत कपड़े, कुछ बहुत शॉपिंग किया। दयान में से आपको क्या चाहिए? अच्छा, तो फिर लेने आओगे क्या उनके लिए? हाँ, आप इधर वीडियो में देख सकते हैं। क्या दिखाएं? इनमें से आप क्या लेना चाहेंगे बताएं भाई, आप क्या लेना चाहेंगे? दिला रहे हैं इनके खुद के लेने का कुछ उद नहीं रहता है। हम पे तो ये ले लिया, स्लाइम लिया। सो गाइस, आ चुके हैं हम लोग रूम पे, अपने होटल पे, और ले लिया हमने अपना डिनर। हम सोच रहे थे हम रूम में जाके ही डिनर करेंगे, तो बस डिनर लेके आ चुके हैं रूम और अभी कर रहे हैं डिनर। सो ये पहला मैं बताती हूँ, सूप पी रहे हैं, मनचाओ सूप, बहुत टेस्टी है। पिछले होटल में और जिस हिसाब से ठंडक है उस हिसाब से सूप बहुत जरूरी है।